शुरू। जी दोस्तों, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आपने शेरू को सेल कर दी है और ये चेक करें, हमारा शेरू इधर ही है, कहीं नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग करें स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा तुल मुबारक है तमाम दोस्तों को, भाइयों को, छोटो बड़ो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अभी जा रहे हैं जुम्मा नमाज अदा करने, जुम्मा नमाज अदा करके आते हैं और देखते हैं क्या रूटीन बनता है। रूटीन जो है दो तीन दिन से ख़राब हुई पड़ी है, लेट उठना और टाइम से ना सोना, और जब सोना उस वक्त सोना नहीं और जब उठना उस वक्त सो जाना, शाम को लेट उठना, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये रूटीन काफ़ी हद तक मेरी ख़राब हो चुकी है पिछले दो तीन चार दिनों से, और डांट भी पड़ रही है अब्बू से कि रूटीन अपनी चेंज करो। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम अपनी रूटीन जो है वो चेंज करेंगे। चलो जी, चलो अली शेर मेरे साथ है और जुम्मा नमाज़ अदा करने जा रहे हैं। कल के नस्बत जो है ना, आज धूप इतनी ख़ास नहीं है, और ये बाहर का सीन है, चेक करें। बस जुम्मा नमाज में 3-4 मिनट पड़े हैं, खुतबा हो रहा है, बस मैं ही पहुंच जाऊंगा। ये हमारे मोहल्ले की मेन गली है, फर्स्ट गली है और सेकंड वाली गली दूसरी है, और ये मेन गली का हशर नशर चेक कर लें। इलेक्शंस के बाद यहाँ पर काफ़ी MP MN वगैरह ने जिन्होंने विन किया उन्होंने विज़िट किया, और अनकरीब यहाँ पर सुनी सुनाई है कि टफ टायर लग जाएगी, देखते हैं क्या बनता है। सीवरेज का कोई हाल नहीं है, ये चेक करें, ये घरों के अंदर पानी घुसता है, तो देखते हैं। कहा तो है कि यहाँ पर टफ टायर और सीवरेज का काम हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि सीवरेज का काम यहाँ पर हो। कैसे जान भाई, हो जाएगा ना, हो जाएगा इंशा। मौसम जो है माशाल्लाह आज बहुत ही ज़बरदस्त है, धूप इतनी ख़ास है नहीं आज। ये चेक करें जी, तो रहो मत और इंतजार करना एहसान भाई, बड़े थम दे भी भाई। मैं आपको एहसान भाई से मिलवाता हूँ, जिनकी जो है खाल नहीं पूछ रही। हम दो तीन एक दफा स्विमिंग पूल पे गए थे और एहसान भी हमारे साथ थे, उसके बाद तीन दफा एहसान भाई हो गए, जिनके जो है ना खल वगैरह तशरीफ जो है ना वो नहीं पोस रही पूरी तरीके से। इंशाल्लाह फिर चलेंगे, ठीक है, दो तीन दिन तक में फिर चलेंगे, ठीक है। अगले जुमे रात को आराम से पैरों का डर लगता है भाई। A few moments later, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा नमाज पढ़ ली है, अभी जा रहे हैं घर। आ जाना भाई, आ जाना, मसला नहीं है कोई, ठीक है, 8 बजे आ जाना, ठीक है। अभी जी चल के खाना शाना खाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या रूटीन बनती है, जो भी बनेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज सीन ये बनाते हैं कि यार चल के ना अपना कुर्बानी का अपना जानवर ढूंढते हैं, चल के अल्लाह करे मिल जाए, एक दो जगह पे फिर चलते हैं और कुर्बानी का जानवर ले ही लेते हैं। आज 10-12 दिन रह गए हैं, बकरे तो हमारे पास है अपने कुर्बानी के, तो बड़ा जानवर अभी तक नहीं लिया, वो इंशाल्लाह लेंगे। सबसे पहले चल के रोटी छोटी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं, नहीं रोटी खाते हैं मतलब, उसके बाद फिर चलते हैं। A few minutes later, शेरू ये जी हमारा शेरू है, चेक करें, गोता हुआ बना दिया गया है इसको, खल वगैरह टुकड़ा वगैरह और आटा वगैरह, अभी इनको जो है अभी डालनी है खल वगैरह। आज मैंने जाना था उधर जानवर देखने, ये चेक करेंगे,
हाँ जी दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि मैंने यहाँ जाना था कहीं जानवर देखने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया। कल रात को आंधी इतनी चली है कि मैं रात को सो नहीं पाया, तो इसी वजह से अभी मैं जैसे जो मैं नमाज़ पढ़ के रोटी छोटी रोटी खा के सो गया हूँ। अभी देखें जो शेर को जो कोतावा बना दिया गया है, चेक करें, ये खा रहे हैं। और अभी घास भी चल के निकले काटना है, चारा सब्स चारा वो भी हमने हाथ लगा दिया चारे को, वो भी चल के अभी काटती हैं जानवरों को। इधर भैंसों को हमने जो है खल वगैरह का गुतावा कर दिया है, इधर भी खा रही हैं माशाल्लाह। और सूर्य चकें चेक करें, बस आहिस्ता आहिस्ता से ग्रोब होता जा रहा है, ये 45 मिनट तक ये भी ग्रोब हो जाएगा। अपने कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बकरे जो हैं ये घास खा रही हैं, ये साथ वाला ब्लैक बकरा भी इनके साथ लगा हुआ है, चेक करें। ये चेक करें जी, हमारी मुर्गी इधर भूसे पे बैठी हुई है, इसके अंडे जो है मैं खा ही गया था क्योंकि गर्मी इतनी है तो मैंने बच्चे नहीं निकलवाए। ये वही बच्चे हैं जो तीन मैंने पहली दफ़ा निकलवाए थे, ये पहले जो मुर्गी निकली है और इसने अंडे भी दिए हैं, 7-8 अंडे उतारे थे जो मैं खा गया हूँ। गर्मी मैंने इससे बच्चे नहीं निकलवाए। ये क्या हशर बनाया हुआ यार आपने? दे यार। हाँ? तू बोल दे क्या हशर नशर बनाया हुआ आपने? हशर नशर क्या नहीं है, खेलते यार आप दोस्तों। मेरा कज़न ये सामने से अभी घास काट के आया, तो मैं तो अभी आ रहा था, मैं लेट उठ हो गया हूँ, तो जंतर दे विचू खा के थी हमने उन्होंने एक बीटी। ये चेक करें, मैं अभी उसे पूछता हूँ, ये इसके पसीना चेक करें मेरे कज़न का। किदे आज केड़ा घाय मेरे को समझ नहीं, वो समझ में कोई नहीं आंदी ना, दमाद रादा पे या कणे करा दी पे या कोई, तो मैं भी अब फटाफट से घास काट लो और चेक करें जी। माशाल्लाह डूबता सूरज कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इधर से हमारे दोस्त रफीक साहब ने हमें टाइम दिए, ये उधर से हमारे खेतों से ये घास करके जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला है कि यार टाइम जो है ना काफ़ी शॉर्ट है, मगरिब के जाने हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो आप ना थोड़ा सा ना हमें गार दें, मतलब कि हमारा हाथ बटवा लें। इन्होंने कहा कि ये क्या बात है भाई, हम आपके साथ मदद करवा लेते हैं। फिर इन्होंने हेल्प करवाना शुरू कर दी, मेहरबानी इनकी, ये मार गए बस जी। दोस्तों काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आपने शेरू को सेल कर दी है, शेरू नहीं आ रहा व्लॉग्स में, पिछले लास्ट 4-5-6-2-10 व्लॉग्स में शेरू नहीं आ रहा, क्या आपने सेल कर दी है? ये मैसेज मुझे यूट्यूब पे और ना ही फेसबुक पे और ना ही टिकटॉक पे मुझे कहीं नहीं मिला। मेरे इलाके वाले ही पूछते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो मेरे इलाके के ही हैं, फेसबुक पे मुझे ज़्यादा देखते हैं मेरे इलाके वाले, तो उन्होंने पूछा था कि आपने शेरू सेल कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने शेरू सेल नहीं किया, बस उसकी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं अपने फार्म की वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रहा। और ये चेक करें, मेरा शेरू इधर ही है, कहीं नहीं गया, इधर ही ठहरा मेरा प्यारा शेरू। तो इसको मैंने बड़े ही लाडों से पाला है और नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह इसको हम सेट करते रहेंगे, इसकी केयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसका जो ये वाला तिल्हारा वगैरह ये इसको काफ़ी ही तंग आता है, लेकिन खैर है इसको हम अभी रखेंगे, इसको सेल नहीं करने वाला है माशाल्लाह। चेक करें, कुछ हल्का सा वीक है लेकिन फिट है। तो आपका भाई व्लॉग कोई देरी करें, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दुआ मुझे याद रखें क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।